हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ फ्रेंड्स। मैं अभी बेंगलोर में अपनी बहन के घर में हूँ और बेंगलोर का आज मेरा सेकंड डे है और दिन भर घर पे ही रहे, कहीं गए नहीं थे क्योंकि बहन की ऑफिस थी। और शाम को वो लोग फ्री हुए तो शाम को हम लोग उनके घर के पास वाला मॉल में आए हैं, जो कि अपार्टमेंट के जस्ट अपोजिट साइड रोड क्रॉस करते ही ये फर्म मॉल है। और ये मॉल में आके मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। मुझे मॉल में टाइम बिताना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही पसंद है। और शॉपिंग से ज़्यादा मुझे मॉल में टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है। तो शाम को हम लोग मतलब घर पे, डिनर का कोई प्लान नहीं था बाहर, घर पे ही थोड़ा बहुत तैयारी करके हम निकल गए थे। और वहाँ पे बस तो कैसे पता ही नहीं चला कि इतने घंटे, 3-4 घंटे कहाँ निकल गए। सारा देखते देखते जो चीज़ मैं कभी नहीं देखी थी वो चीज़ मुझे देखने को मिला, जैसे कि फ़ौरन से आता है फ्रूट्स, वेजिटेबल फ्रेश, सारा सब कुछ फ्रूट्स रोज़ आता है तो वहाँ पे मिलती है, इस मॉल में मिलता है। तो कुछ चीज़ें जो कि टीवी में, मूवीज़ में देखी थी वो चीज़ मैं यहाँ पे देखी। और मुझे ये ऐसे जगह बहुत अच्छा लगता है। शॉपिंग ना हो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन टाइम स्पेंड करना मॉल में मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर चीज़ देखना। और काफ़ी टाइम हम लोग वहाँ घूमे और फ़ोटो शूट किए, फ़ोटो वगैरह उठाए और उसके बाद थोड़ा स्नैक्स ऑर्डर किए क्योंकि डिनर का कोई प्लान नहीं था बाहर। और वो ब्रोकली सूप, एक नया सूप ऑर्डर किए थे जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा पसंद नहीं था और मेरी मम्मी भी बिल्कुल पसंद नहीं की, हम लोग को इतना पसंद नहीं लगा, थोड़ा थोड़ा ही टेस्ट किए थे। उसके बाद मेरी लड़की को पिज़्ज़ा, चिकन पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाया मेरी लड़की के लिए क्योंकि उसको, मेरी लड़की को बहुत पसंद है पिज़्ज़ा और वो भी मुझे इतना पसंद नहीं, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग खा लिए थे। और क्योंकि घर पे हम लोग आधा अधूरा तैयारी करके आए थे डिनर का, इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं खाए, घूम के ही मेरा पेट भर गया था। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये सब देख के ही मेरा पेट भर जाता है। मुझे खाने पीने का मतलब बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं कुछ खाऊं, कुछ शॉपिंग करूं। और ऐसे जगह जाके ही मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फौज में रहने के बाद, शादी के 21 साल हो गया फौज में रही मैं, और फौज में बहुत सारे बाउंडेशन होती है जो कि टाइम से घर पे रहना, शाम को 6 बजने के बाद बाहर नहीं जाना होता है। अगर मूवी देखना है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स घूमना है तो आर्मी कैंट के अंदर ही होता है, ये सब हम लोग इतना इंजॉय नहीं कर पाते हैं। और मेरे हस्बैंड जिस आर्मी में थे, जो बड़ा बड़ा सिटी में उनका पोस्टिंग नहीं होता है, तो मैं ज़्यादा मॉल वगैरह इतना नहीं घूमी हूँ, और जो कि ये मुझे पसंद है और ये मुझे ज़्यादा कम ही देखने को मिला था। और बहन के घर मतलब मैं 3 बार हुआ, वो शादी, उसका शादी 2011 में हुआ था और 11 से लेके अभी 2023 तक मैं 3 बार ही गई हूँ। और एक बार हैदराबाद गई थी और बेंगलोर और पहले एक बार आई थी, जो कि 7 साल बाद मैं अभी आई हूँ। और आज ये मॉल घूम के हम घर जाते जाते 9:30 बज गया था, उसके बाद 2-2 रोटी बना के घर पे ही खाए थे क्योंकि मम्मी को भी थोड़ा सर्दी जुकाम फीवर आ रहा था, वो घर बाहर खाने के लिए मना कर दिए। नाना जी भी थोड़ा सा स्नैक्स खा लिए थे, वो भी मना कर दिए, तो हम लोग बाहर नहीं खाए। और सिंपल ट्रेन में ट्रैवल करके आए थे तो हमें सिंपल खाना ही अच्छा लग रहा था, बाहर का खाना पसंद नहीं था। और नेक्स्ट डे से तो रोज़ घूमना, रोज़ बाहर डिनर हो जाता था, कभी लंच बाहर हो जाता, कभी घर पे खाना ऑर्डर कर देते, तो वही चीज़। और रोज़ मतलब उसके बाद रोज़ एक एक मॉल गए और घूमने के लिए और बाहर खाने के लिए, तो ऐसे ही टाइम बीत गया 8-9 दिन, कैसे पता नहीं चला। बिल्कुल मन नहीं कर रहा था बेंगलोर से आने के लिए, लेकिन आना ही पड़ा। हमारा टाइम मतलब छुट्टी, मेरी लड़की का स्कूल का टाइम, छुट्टी ख़त्म हो गया था, स्कूल खुलने वाला था। और तो फ्रेंड्स बहुत सारा एंजॉय किया और मेरे साथ, मैं सोची कि आप लोग को भी दिखा लूँ बेंगलोर, तो इसीलिए छोटा सा वीडियो मैं बनाई थी मॉल का। और नेक्स्ट डे अगर कहीं और जाएंगे तो वहाँ का भी वीडियो आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये दोनों, मेरी लड़की और मेरी बहन का लड़का, दोनों बहुत जितना झगड़ते थे उतना मस्ती करते थे, उन लोग के साथ भी बहुत अच्छा बीत गया टाइम। और दोनों बच्चे बहुत मस्ती किए, यहाँ पे मेरी लड़की अकेले रहती है तो वहाँ पे अपने उसके छोटा भाई के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड की।
आने को किसी को भी मन नहीं हो रहा था, लेकिन नाना जी भी अपने घर जाने के लिए 8-9 दिन रह गए तो वो भी बोल रहे थे घर जाना है, उनके गांव में कुछ शादी था तो उनको भी जाना था। मम्मी का भी, पापा अकेले घर पे थे जो कि खाना बना के खा रहे थे, तो मम्मी का भी मन पूरा उड़ीसा में अपने घर में ही थी। तो कैसे वैसे करके 8 दिन बहुत अच्छे से, मेरा तो मैं बहुत इंजॉय की, मेरी लड़की का भी उड़ीसा आने का मन नहीं था, वो भी बहुत इंजॉय की, लेकिन उसका 12th स्टार्ट होने वाला था, स्कूल स्टार्ट होने वाला था, इसीलिए मजबूरन आना पड़ा। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मॉल में, मतलब घूमते घूमते हमारा पैर थक गया, लेकिन वो आधा से ज़्यादा हम देख नहीं पाए, जितना भी देखे बहुत अच्छा लगा। और एक दिन भी यहाँ पे आए वगैरह करने के लिए। फ्रेंड्स अभी घर जा रहे हैं।